हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में हम ग्लासगो घूमने आए हैं। पूरे हफ्ते काम करने के बाद और पूरे हफ्ते पीएचडी का काम करने के बाद हम दोस्त लोग थोड़े थक गए, तो हमने सोचा क्यों ना एडिनबरा से सबसे पास एक ब्यूटीफुल शहर हम ग्लासगो में घूमना है। और आज की गेस्ट है हमारी प्यारी रमनदीप, जो वक्त हमारी आज मार्गदर्शक बनेगी, हमें जगहों पर लेके जाएंगी, हमें चीज़ें घुमाएंगी। तो हम यूनिवर्सिटी ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उसके बाद म्यूजियम्स में घूमेंगे, खाना पीना हम करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में दिखानी है। सो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पता चल जाए आपको भी अगर ग्लासगो में आना हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। हम मिनी गोल्फिंग भी करेंगे, काफ़ी स्पेशल वाली, जहाँ पूरा नियॉन थीम होगा। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे हम एक एस्केप रूम में भी जाएँ। सो अ लॉट टू बी अनवील्ड इन दिस वीडियो, सो वॉच इट टिल द एंड। तो अभी अभी हमने बहुत ही अमेजिंग डोनट्स खाए हैं। लाइक आई सेड, इट वॉज रमनदीप्स रिकमेंडेशन, टैंट्रम डोनट्स ग्लासगो में। और इसके बाद हम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में जाएंगे और वहाँ पे वीडियो कॉन्टिन्यू करेंगे। बट अगर आप ग्लासगो में आ रहे हो तो यहाँ पे टैंट्रम डोनट्स पे यू कैन डेफिनेटली ट्राई सम गुड डोनट्स। सो फाइनली हम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के मेन कैंपस में पहुंच गए हैं। तो मेरे जस्ट पीछे, मेरे आगे, बट मैं जब ऐसे करूँगा तो पीछे आएगा, मेरे जस्ट आगे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो का मेन कैंपस स्टार्ट होता है। ऑल दो जिनका मेन एंट्रेंस होता है, जो कि काफ़ी ही ग्रैंड एंट्री होती है, वो बंद है। बट यू कैन सी कि इट्स एन अमेजिंग बिल्डिंग। मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है, कितनी लंबी बिल्डिंग है और कितनी पुरानी बिल्डिंग है। ये 14th सेंचुरी की यूनिवर्सिटी है। बाकी सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, रमनदीप आ गए हैं, रमन आ गया है और रुचिका भी यहीं पर ही हैं। वैसे तो जब मैं पिछली बार आया था तो मैं इस गेट से एंटर हुआ था, बट आई थिंक हमें उस गेट से एंटर होना पड़ेगा क्योंकि ये बंद हो रखा है। तो अभी अभी हम यहाँ पर आए हैं, रमनदीप ने एक सीक्रेट स्पॉट हमें दिखाया है। सो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं और जंगल में रास्ता जाते हैं, हम देखते हैं। और रमन कुछ तो हुआ है रमन के साथ। और अभी हम सीक्रेट स्पॉट पे जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होने वाला है। सो अभी हम केल्विन ग्रोव म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं। इट्स केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम। मेरे को पता नहीं इसके अंदर क्या होने वाला है, ना ही बाकी सबको, लेकिन अंदर जाके देखते हैं हाउ इट इज और अंदर क्या है। सो लेट्स गो इनसाइड।
तो फ्रेंड्स अभी हम काफ़ी ही एक इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं, रिवर साइड म्यूज़ियम। रिवर आप देख सकते हो ये है। अब कहीं म्यूज़ियम आएगा 5-10 मिनट में। और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है वो, मैंने तो गूगल पे उसकी इमेजेस देखी है लेकिन रमन और रुचिका ने नहीं देखा वो। सो देखते हैं कि उनको कैसा लगेगा। एंड आई थिंक हम पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि रिवर साइड म्यूज़ियम दिखता है कैसा है एंड उसके अंदर क्या क्या होगा देखने के लिए। चलो तो ये जो केबिन है ये कैप्टन का केबिन है और ये काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस होता था कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स। सो अभी जहाँ पे हमें सलोन है तो यहाँ पे बाल वाल हेयर कट वगैरह होता था। सो 3-3 महीने अगर आप शिप्स में ट्रैवल कर रहे हो तो बाल भी काटने ही पड़ते होंगे अपेरेंटली। सो ये उस टाइम का 19th century 20th century। हम अब आपको दिखाते हैं कैप्टन का रूम। यहाँ पे वो सोते थे, यहाँ पे उनका पर्सनल बाथरूम। बहुत ही अच्छा लगा अभी अंदर जाके। जो रिवर साइड म्यूज़ियम था, बहुत सारी कार्स थी, ट्रेन्स थी, साइकिल्स थी, बसेस थी पुराने ज़माने की, एंड पुराना ग्लासगो भी मैंने आपको उसमें दिखाया। और अभी हमें जाना सिटी सेंटर वापस और उसके लिए हम ये साइकिल वगैरह कुछ लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी साइकिल पार्क कर दी, आप देखोगे काफ़ी ही मज़ा आया काफ़ी टाइम बाद साइकिल चलाने में। और 2 पाउंड हमारे कटे इस पूरी राइड में, जो कि सही था। मतलब ट्रेन से भी लगभग इतने कटते 1.75, बट जो एक्सपीरियंस था रिवर साइड साइकिल चलाने का वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। सो इट वॉज वर्थ इट। और हम अब मोस्ट प्रोबेबली गोल्फ खेलने जाएंगे। सो फाइनली हम मिनी गोल्फिंग वाली जगह आ गए हैं। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड जंगल रंबल एडवेंचर गोल्फ। तो अगर आप यहाँ पे आके मिनी गोल्फिंग करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। और अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसा एटमॉस्फेयर है और यहाँ के जो चार्जेस हैं ज़रा उनके बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो फॉर एडल्ट्स इट्स 12, फॉर स्टूडेंट्स इट्स 10। सो दैट्स लाइक द कॉस्ट। और अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर कैसा गेम प्ले है। We'll be right back.
तो अभी हमने मिनी गोल्फिंग कंप्लीट करा और हमारे पास वैसे तो 2 घंटे बचे थे, बट हमने सोचा कि क्या ये एस्केप रूम करेंगे, काफ़ी सब लोग थक भी गए हैं और सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, और हम फाइनली डिनर करेंगे एंड उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। सो मैं अभी अंदर जाऊंगा, पहले डिनर करूंगा और फिर सबसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बट द वीडियो इज़ गोना एंड वेरी सून। सबका एक्सपीरियंस पूछेंगे एंड फिर हम बस पकड़ के एडिनबरा वापस चले जाएंगे। सो लेट्स गो इनसाइड। का बेस्ट मोमेंट कौन सा था आपके लिए? जब मैं मिनी गोल्फ में जीत गया। आप हारे हो? मैं जीता। थर्ड आए हो? अपनी नज़र में मैं फर्स्ट आया था मिनी गोल्फ में। एक्चुअली आज के दिन के लिए मैं कल प्रैक्टिस करने गया था स्पेशली, और वो प्रैक्टिस एकदम काम आई क्योंकि मैं फर्स्ट आया हूँ मिनी गोल्फ में। आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था? जब मैं फर्स्ट आया मिनी गोल्फ में। आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था? मैंने मिनी गोल्फिंग आज पहली बार की, मैंने आज लाइफ पहली बार गोल्फ स्टिक पकड़ी। मेरा बेस्ट मोमेंट वो था जब हम सब साइकिल चला रहे थे नदी के किनारे। हाँ। वैसे तल्लियाँ बजाते आ रहे हैं। और रुचिका की थैली गिर गई। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू रमनदीप और स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स हु अकंपनीड मी ऑन दिस ट्रिप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट।